राम राम जी सभी को। तो भाई वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो यार आज वो कई दिन बनाना है क्योंकि घूमने चले गए थे बाहर, और बाहर यार फिर वो एक मन करता बोलो बड़ा फैमिली वगैरह भी साथ थे, कई यार दोस्त भी आते, बहुत सारे लोग गए थे, तीन चार गाड़ी में गए थे, बड़े बढ़िया आराम से इंजॉय करके आए हैं। तो फिर मैंने ठीक नहीं समझा, मैं चल रहा बना जाके घर जाके देखेंगे। तो भाई आज का ब्लॉग रहेगा फॉर्च्यूनर के ऊपर, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई थार के ऊपर तो बना दिया, तो फॉर्च्यूनर के ऊपर और बना। तो भाई फॉर्च्यूनर का देखो ये है भाई के सबको पता है कि 50-55 लाख की गाड़ी है, ठीक है। और भाई इसके हिसाब से मतलब ठीक लेनी है या नहीं है, क्या फीचर है इसमें, ऐसा क्या है कि लोग जो इसको बहुत लाइक करते हैं भाई, ये बात है। जबकि इसमें कमी निकालते हैं कि सनरूफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फीचर के मामले में इतनी कोई ये वो नहीं है, गाड़ी सादी गाड़ी है, पर फिर भी मतलब बहुत प्यार करते हैं लोग इसको। वो क्यों करते हैं वो देखते हैं भाई, ऐसा क्या है इसमें, क्या है फॉर्च्यूनर। तो भाई सबसे पहले हम आ जाएंगे, सबसे पहले इसके फ्रंट स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसके फ्रंट लुक देखो आप, सामने से देखो मतलब लुक है ना, मतलब बहुत एक अग्रेसिव लुक है, ब्रॉड लुक है बहुत अच्छा। लाइट है, लाइट जो ये लैंप लग रहे हैं एलईडी, बहुत तगड़ी लाइट है, बहुत एक नंबर का फोकस है। और भाई मतलब सॉलिड है, सॉलिड, ऐसा नहीं है कि डब्बा बना दिया, ऐसा नहीं है। और मतलब ये जाली है जो ये पूरी ब्रॉड बना रखी है चौड़ी, हालांकि पहले वाली जो है ना वो ऐसी नहीं थी, वो भी बॉक्स टाइप और बहुत बढ़िया गाड़ी थी पहले वाला मॉडल, पर ये थोड़ी और ब्रॉड बना दी आगे से, और अच्छी लगती है, ऊँची भी थोड़ी और कर दी, मतलब बढ़िया लगती है। इसमें यहाँ बोनेट पे वो था, इसमें सिंपल बोनेट है अपना, बिल्कुल सिंपल गाड़ी है, ठीक है। इसके बाद भाई मेरे को इसकी सबसे अच्छी देखिए, मेरे को बहुत प्यार लगता है, मतलब जो इसकी साइड लुक आती है ना, इससे मतलब एक स्पोर्ट्स गाड़ी की लुक आती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत प्यारी लुक लगती है इसकी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई इसमें जो है ना, आज आपको दिखाता हूँ अलॉय, वैसे तो इसमें 18 इंच के अलॉय आते हैं, पर ये हमने 20 इंच लगवा रखे हैं, ये देखो इससे लुक देखो कितनी ज़बरदस्त लुक बनेगी, ठीक है। इसके बाद इसकी छत ब्लैक करा रखी है हमने, ठीक है, ये कंपनी से नहीं आई थी। और भाई अब दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से, देखते हैं अंदर से जो है भाई इसमें सबसे बढ़िया मेरे को क्या लगता है फीचर, इसकी सीट है ना, मतलब एग्जॉस्ट वाली सीट है, मतलब बढ़िया अपने यहाँ सीट में भी एग्जॉस्ट दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एसी हवा लग रही है, क्या होता है ना इसमें कमर में पसीने आ जाते हैं, अच्छा बैठते हैं यहाँ पसीने आ जाते हैं, पैंट भी पसीने, ऐसा कुछ नहीं है, कितनी भी गर्मी हो सीट में भी बढ़िया हवा लगेगी, सबसे मस्त चीज लगती है। अच्छा इंटीरियर की बात करते हैं भाई, इंटीरियर भी जो है बहुत सॉलिड है, तो भाई अब हम करते हैं इसकी इंटीरियर की बात। तो जो इसका इंटीरियर है ना भाई, इंटीरियर मेरे को बहुत पसंद है, हालांकि सिंपल है, ऐसा सादा बोर्ड है, ऐसा वो नहीं है, हार्ड है बढ़िया, मतलब ये गाड़ी जो बना रखी है ना, ये बना रखी है मतलब एक लग्जरी टाइप कम और रफ एंड टफ ज़्यादा बना रखी, इसलिए इसका सब कुछ हार्ड है बढ़िया, कैसे भी रफ एंड टफ चलाओ जल्दी से बजेगी नहीं। अच्छा ये है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्टेस्ट भी दे रखा है इसमें, कहीं लॉन्ग ड्राइव करो अपना बढ़िया हाथ रखो। अच्छा भाई ये ऑटोमेटिक है, और वही आपको उसका पिकअप भी चेक कराएंगे, स्पोर्ट्स मोड पे भी कराएंगे, इस पर नॉर्मल मोड पे भी कराएंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया मुझे लगता है ये देखो यहाँ पे, ये जो है ना इसकी ये कढ़ाई सी हो रखी है, और ये अपना ये लैदर सा है कपड़ा सा, लैदर का लगा रखा है, मतलब बहुत बढ़िया इसकी जो फिनिशिंग है ना, ये मुझे इसका इंटीरियर बहुत पसंद है, बहुत ठीक है, मतलब एक नंबर की। अच्छा भाई ऊपर से क्या है, ये जो है कम्फर्ट भी है, पीछे वाली सीट भी कम्फर्ट है, बीच वाली सीट भी कम्फर्ट है, और आगे वाली सीट भी कम्फर्ट है, 7 सीटर गाड़ी, मतलब बहुत बढ़िया कंफर्ट गाड़ी है। और बस इसमें जो लोग कमी निकालते हैं, निकालते हैं कि भाई सनरूफ नहीं है, वो कंपनी अपनी सेफ्टी पर्पज से नहीं दे रही है, फिर भी इसको लोग बहुत पसंद करते हैं इस गाड़ी को, और मतलब बात है भाई गाड़ी में दम है गाड़ी में, इसलिए पसंद करते हैं, नहीं तो इसके जो है इसकी टक्कर में मार्केट में काफ़ी गाड़ी आई हैं, जैसे ये आई है MG की ग्लोस्टर आई है, कोई टिक नहीं पाई, मतलब इससे पहले इंडेवर थी वो कंपनी चली गई, फिर भी मतलब गाड़ी ये जो है काफ़ी सालों से टिकी हुई है काफ़ी लंबे टाइम तक, और बहुत पसंदीदा गाड़ी है लोगों की, है ना। अब हम इसके जो है ना पीछे चलते हैं, पीछे की बैक साइड दिखाते हैं, ये देखो मतलब दरवाजे भी ये सॉलिड है बिल्कुल,
आप यहाँ से देखो, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ बना दी, सॉलिड है, मतलब सब कुछ लगता है कि हाँ भाई गाड़ी कुछ ठेल चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ लगती है, सॉलिड मतलब। अब इसकी जो है भाई बैक लुक देख लो आप, पीछे से देखोगे मतलब वही है, अग्रेसिव लुक है इसकी, मतलब रोड प्रेजेंस इसका बहुत तगड़ा है, एक लगता है मतलब दमदार ही चीज़ लगती है इसकी सबसे, इसीलिए ये लोगों को पसंद है, मतलब चलती हुई लगती है कि हाँ भाई कोई दमदार गाड़ी है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इसकी, ये दे रखी है जो है इसकी, ये खोलने के लिए ये भी अच्छा सेंसर दे दिया, और चाबी से हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, चाबी से भी खोल सकते हैं, और चाबी से हम इसको बीच में भी रोक सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप बात करें जैसे 7 सीटर जो गाड़ी होती है ना, उसमें पीछे डिग्गी बहुत कम होती है, जैसे अगर ये पीछे सोफा सीट है तो डिग्गी बहुत कम होती है, उसके हिसाब से इसमें डिग्गी बहुत बढ़िया दे रखी है, मतलब जैसे आप यहाँ पर बैग वैग रख सकते हो आराम से, जल्दी कहीं जा रहे घूमने, अगर फिर भी आपको लगे जगह कम है तो ये दोनों सीट फोल्ड हो जाएंगी, साइड में हो जाएंगी, फिर तो आपके पास इतनी सारी इतना स्पेस बच जाएगा, बहुत स्पेस, तो इस मामले में भी गाड़ी बहुत बढ़िया है ये, रफ एंड टफ चलाओ, कैसे भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, 4x4 पे चलाओ, पहाड़ों में चलाओ, कैसे भी चलाओ भाई, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ बना रखी है यार, बहुत प्यारी। अब आप वैसे तो सबका अपना टेस्ट है, आप भी ज़रूर बताना कि मतलब आपको कैसी लगती है। अच्छा भाई, अब कई लोग बोलते हैं ये अलॉय डलवा दिए 20 इंची, ठीक है इसमें दिक्कत आती है, नहीं आती, ये है वो है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, बस आप थोड़े से जो है ना गड्ढे वड्ढे, जैसे कई लोग होते हैं ब्रेकर नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, ब्रेकर ब्रेक नहीं मारेंगे, सीधा जंप करते हैं गाड़ी, वो तो भाई चाहे फिर 18 इंची हो या 17 इंची हो या 20 इंची हो, फिर तो भाई दिक्कत आएगी, सस्पेंशन की दिक्कत आएगी, थोड़ा थोड़ा सा जो है प्यार से चलाओ गाड़ी के साथ, प्यार से रहो तो गाड़ी आपके साथ प्यार से रहेगी, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फॉर्चूनर कैसे लगती है, और अभी सेकंड इसका ना गाड़ी में, इसकी रेंज में गाड़ी ऐसी कोई और है नहीं मेरे हिसाब से तो, और फीचर में देखा जाए जो MG ग्लोस्टर वगैरह है, ये है वो है, उन्हें फीचर है यार, वो कामयाब ऐसे हो ही नहीं गाड़ी, मतलब जिस हिसाब से है ना वो, मतलब इसके टक्कर के लिए बनाई थी पर वो मतलब चली मार्केट में, हिसाब से इसकी बात ये अलग है इसका। अब हम आपको इसका पिकअप दिखाएंगे, ठीक है। चलो भैया, अब हम आपको दिखाते हैं इसका पहले नॉर्मल मोड में पिकअप, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई नॉर्मल मोड में तो मतलब ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा मेरे को इतना वो लगा नहीं, पर फिर भी ठीक है, मतलब वो ये थार का थोड़ा सा मिलता जुलता लगा है, मतलब मेरे को तो पता नहीं क्यों लग रहा है, थोड़ा सा थार का ज़्यादा लग रहा है इससे, वो दिन थार के बनाई थी ना जब। बाकी एक बार स्पोर्ट्स मोड पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है अब ये लगा दिए स्पोर्ट्स मोड पे, स्टार्ट करते हैं गेम स्टार्ट। हाँ अब की बार आई बातचीत, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत तगड़ी लगती है मुझे, मतलब जो ब्रेकिंग सिस्टम जो है बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, ठीक है, मतलब पिकअप यार हम खराब भी नहीं कह सकते, और पर जैसे 50 लाख के हिसाब से वो वाला पिकअप नहीं है, पर बस एक ये पिकअप थोड़ा सा मेरे को वो लगा, बस ठीक ठाक बोल सकते हैं स्पोर्ट्स मोड पे भी, ठीक है। तो भाई अब इसका मैंने यहाँ से भी कर दिया है स्पोर्ट्स मोड अंदर से भी, और यहाँ से भी स्पोर्ट्स मोड कर दिया है, और यहाँ से भी, अब देखते हैं क्या फ़र्क आएगा। तो
120 आराम से चढ़ गई और बड़ी इजली और प्यार से चढ़ गई बिल्कुल। तो मतलब भाई ठीक है, मतलब अभी मैंने इको में कर दी दोबारा से और इसका नॉर्मल मोड में कर दिया, अच्छा है पिकअप। अभी इसने अपनी पूरी पावर जनरेट करी थी तो हम बुरा नहीं कह सकते, ठीक है पिकअप, ठीक ही लगा है मुझे। मतलब ऐसे वो नहीं लगा कि भाई बेहतरीन नहीं लगा, ठीक ही लगा है ना। इतना ही थार का था है ना, क्या थार का ज़्यादा था, थार का ज़्यादा लग रहा है हमें, अभी भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ऐसा करते हैं, एक दिन दोनों की रेस करा के देख लेते हैं, दोनों ले आते हैं, फिर पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। भाई मौसम बहुत प्यारा हो गया है, देखो मतलब बहुत बहुत प्यारा मौसम हो गया। देखो अपना व्लॉग भी बन गया, इसी के साथ व्लॉग भी कंप्लीट हो गया है और मौसम बहुत प्यारा हो गया और बारिश आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा भाई। अब मैं तो बहुत शौकीन हूँ भाई बारिश में नहाने का। तो भाई ये था अपना व्लॉग। अरे जा भाई, क्यों दुखी हो रहा है, पाँ पाँ शांति नहीं किससे कभी। तो भाई बताना कैसा लगा देख के, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तुम यार पर्सनली मैसेज कर देते हो, कमेंट में बताते नहीं हो, कमेंट में बताया करो ना, ठीक है। और जो अगला व्लॉग जो तुम्हें या किसी गाड़ी का देखना हो या किसी वर्कआउट का एक्सरसाइज का देखना हो, कुछ भी व्लॉग देखना हो मतलब देखने का मन करे वो ही बताना भाई। बाकी अब के बाद तो लेट हो गए हम, आगे से लेट नहीं होंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी व्लॉग आते रहें, ठीक है। बाकी सारे भाई खुश रहो, लव यू है सबको, टेक केयर, बाय बाय।